जब आपके दोनों बच्चे छोटे थे, हम उनको पहला फुसला देते थे कि तोरे बाबूजी आएंगे, लेकिन अब वो दोनों बड़े हो गए, हम उनको कहाँ जवाब देंगे, कहाँ जवाब देंगे, कहाँ जवाब देंगे। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी बुरी छाया आप पर पड़ने नहीं देंगे। सरोजा, दीदी, हमें जानकर बहुत दुख हुआ कि आप हमारी छाया बुरी मानते हैं और आपको ये लगता है कि वो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। वो कल हम अपने कानों से सुने हैं ये बात। दो दिन पहले जब आपकी तबीयत खराब थी तो वो हम ही थे जो आपको होश में लेकर के आए। डॉक्टर तो बहुत बाद में आई। और हाँ, ये बात तो आपको शायद पता भी ना हो कि अगर हम वो सब ना करते तो आपके बच्चे की जान को बहुत खतरा था। एक बात तुम्हें भी नहीं पता सरोजा, जो कुछ भी हुआ ना वो सब तुम्हारे ही कारण हुआ था। दीदी, आप चाहे जो कुछ भी सोचिए, लेकिन एक दिन हम आपके मन से ये अंधविश्वास निकाल करके ही रहेंगे। सरोजा, तुमसे हाथ जोड़कर विनती मांग रहे हैं, हमें अकेला छोड़ दो बस। आप हमसे बड़ी हैं, इसलिए हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए। तबीयत भी ठीक नहीं है इसलिए हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, पर हाँ एक चीज जरूर कहेंगे, अब हम आपके पास तभी आएंगे जब आप हमें खुद बुलाएंगे। और ये बात तुम भी याद रखना सरोजा कि ये बात घर में किसी को बताना मत, वरना बेकार के बवाल मच जाए। दीदी, हम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, ये बात इस चौखट के अंदर ही रहेगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि।
फूल अर्पण कीजिए। अभी पूजा संपन्न हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है। आज के दिन आप सभी ने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया होगा। अगर कोई रह गया हो तो हमको अपना गुरु मानकर आशीर्वाद ले सकता है, क्योंकि भावना में ही भगवान बसते हैं। पूजा संपन्न हो, अब आप जा सकते। जी, हमारी माँ ही हमारी गुरु हैं। वैसे भी हर बच्चे के जीवन में उसकी माँ ही उसकी सबसे पहली गुरु होती है। शास्त्रों और पुराणों में भी माँ की महिमा का बखान है, इसलिए हमारी माँ ही हमारी गुरु है। सच कहें, हमरा पहला गुरु तो हमरे भाऊजी। बचपन से ही हमको बहुते प्यार किए, बहुते स्नेह दिए। जब हम 9वीं कक्षा में थे ना, हम फेल हो गए थे, तो हमरे भाऊजी ने हेडमास्टर को बोल के हमरे नंबर बढ़ाए थे। और बस हमरे गुरुजी तो हमरे भाऊजी हैं। हमार माधव भी संस्कारी है समधन जी, अपने बाऊजी के साथ साथ अपनी अम्मा को भी मान देता है। इसलिए हमरे पहले गुरु तो हमरे बाऊजी। अरे वाह माधव भैया, वाह, क्या बात है। खुश रहो, ईश्वर कल्याण करे। अरे माधव बेटा, देखो तो तुम्हारी अम्मा कहाँ गई? कहीं गुस्सा कर तो नहीं चली गई? जी बात। काहे की काहे सब माधव, काहे लोगों के सामने हमरी इतनी बेइज्जती। सरोजा ने अपनी अम्मा के पाँव छू लिए, वो सब देख के भी तुम अम्मा अम्मा, तुम्हारा प्यारा बेटा माधव काय आए हो यहाँ? सब लोग इनके सामने हमारी बेइज्जती कर दी। छोड़, अब जाओ यहाँ से, जाओ। अम्मा
तुम भी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो। काहे नाराज हो? छोटी बात तुम्हारे लिए होगी, छोटी बात बाकी हमरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। देखा नहीं सरोजा बहू ने कैसे डंके एक चोट पर सब लोगों के सामने कहा कि माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। वही तुम माधव। अम्मा एक बात बताओ, स्कूल के जो गुरुजी होते हैं वो क्या करते? क्या मतलब? दिन भर ज्ञान का भाषण देते रहते, ये करो ये ना करो। अच्छा एक बात बताओ अम्मा, तुम हमें कभी डांटी हो का? और कहा हमें कभी मारी हो या फिर ज्ञान का भाषण दी हो? मारे भले हो ना हो हम, बाकी ज्ञान का पाठ तो हम ही पढ़ा है ना तुम्हें। हाँ माँ वो तो है, पर बाबूजी जो है ना वो सब करते हैं। वो हमें डांटे भी हैं, मारे भी हैं और ज्ञान का भाषण भी दिए है कि नहीं? और अम्मा एक बात कहें, हमें तो लगता है कि सरोजा जी बचपन में अपनी अम्मा से ना बहुत डांट खाई है और उन्हें थप्पड़िया भी होगा। कैसे पता? वो ऐसे पता कि अगर ऐसा नहीं होता तो सरोजा जी उन्हें अपना गुरु कहती का नहीं ना। पर अम्मा तुम तो हमारी प्यारी अम्मा हो ना, अगर हम तुम्हें गुरु कह देंगे तो फिर हम अपनी अम्मा किसे कहेंगे? और वैसे भी अम्मा हमसे भी सब नाराजे रहते हैं। क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? का सरोजा बहू भी तुमसे नाराज है? हैं? हाँ माँ, वो भी। अरे नहीं अम्मा, हम तो मजाक कर रहे थे, हमसे कोई नाराज नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ जुम्मा जुम्मा दो दिन हुए नहीं बहू को आकर, अभी से हमरे बेटे से नाराज होने लगी। ये बात को तो निपटाना होगा ही। बेटा तुम यहां रुको एक मिनट। ले ले ओ। बहुत दिनों से अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमे फिरे खातिर नहीं गए हो ना, जा मौज कर। कम है का? अब भाई और नहीं 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 अम्मा बहुत है, तुम तो हमारी प्यारी अम्मा हो। अच्छा सुनो हम जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना और अम्मा रोना मत। आते हैं और खूब मौज करके आना। समझाना पड़ेगा सरोजा बहू, हमरे घर में ही सब नहीं चलेगा। अरे यहाँ तो पति पूजा की जाती है, मान सम्मान दिया जाता है, ऐसे मुंह पलक थोड़ा बैठा जाता है। भैया आज तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। अरे माधव भैया हमने सब दोस्तों को तो बुला लिया पुराने अड्डे पर, लेकिन ये बात बताइए कि घर में सब बड़े मेहमान है तो का फर्क पड़ता? मेहमान है तो अच्छी बात है, और हम उन्हें अकेला छोड़ के थोड़ी ना जा रहे हैं, इतने सब है ना घर में। लेकिन भैया इन सब के बीच मौज मस्ती का बल्ली, तुम फिर से टेंशन वाली बात करना शुरू कर दी। अरे अच्छा एक बात बताओ, तुम ज्यादा बुद्धिमान हो या हमारी अम्मा? अरे कैसी बात करते हैं भैया, अरे बड़की अम्मा हमसे बड़ी है ना, तो हमसे ज्यादा समझदार भी होंगी। तो फिर ये बताओ, अगर अम्मा हमें ये नोट का गड्डी दी है और कही है कि जाओ अपने दोस्तों के साथ ऐश करो घूमो फिरो, तो फिर कहा हमें ये बात पर वापस सोचना चाहिए? ना भैया ना, ये तो उनके आदेश का निरादर होगा। तो फिर चल बल्ली, आज की शाम पुराने दिनों के नाम। वाह माधव भैया, इसी बात पे आपको हमारा सलाम। कहाँ जा रहे हैं? माँ और पापा आए और इन्हें कोई चिंता ही नहीं, बुलाए क्या इन्हें?
सजना।